गाइज एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल विथ न्यू ब्लॉग न्यू भिडियो अनि जति पनि सबै मेरो नेपाली भ्युअर्सहरूलाई पनि मेरो धेरै धेरै नमस्ते नमस्कार छ जति पनि मेरो युट्युब च्यानललाई हेर्नु हुँदैछ तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद छ मेरो सबै भिडियोहरू हेरिदिनु भएकोमा सो वैसे भी आज मैं ब्लॉग हिंदी में ही कर रही हूँ नेपाली में तो नहीं कर रही हूँ एक दिन अपने भाषा में भी ब्लॉग करूँगी सो अभी के फिलहाल के लिए मैं हिंदी में ब्लॉग करने वाली हूँ गाइस गाइस मैं अभी जा रही हूँ मेरा नाश्ता का टाइम हो गया अभी नाइन बज रहा है यहाँ पे जा रही हूँ नाश्ता करके फिर आगे का ब्लॉग कर लेंगे सो बने रहे सो मैंने नीचे की तरफ बोझू के गर्नु हुँदैछ सर तिमी के हो तिम त नौकरी नै दिन छैन यहाँ बाबु के गर्नु खाजा खानु भयो खाजा खानु भयो खाजा खानु भयो नास्ता आधा लसुन छिल्दा कहाँ है हम नहीं आप वीडियो में देख रहे हो चलो उनको बहुत अच्छा लगता है वीडियो में आना सो आज का नाश्ता में क्या है हम लोग नाश्ता में आज क्योंकि आज बच्चा लोगों का स्कूल था तो सुबह में बन गया था हम लोग का नाश्ता आज हमारे नाश्ता में सैलड बनाया मूंग दाल का सैलड है गाइस इसका भी मैं वीडियो डाल रही हूँ वो जो नाश्ता खाने भैया मम्मी चलो नाश्ता खाना मम्मी नाश्ता खाम चलो मम्मी को थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है तो वो थोड़ा बीमार है क्या खाने सलाद चाय बनाई दी ने तीतो माचा हो कि ये मछली बन रहा है आज गाइस हमारे घर पे की नाम हो इसको नाम तो बताओ ना मेरे तो माचा को सबू मिशा सो फ्रेंड्स हमारा नाश्ता पानी सब हो चुका है अब दिन के खाना का तैयारी हो रही है तो मेरी दादी सास बना रही है मछली फ्राई बहुत दामी है अच्छा से बनाना की कह रहे साको ना खपरा भाजी लटिया भाजी लटिया भाजी दोनों मिक्स करके यू के डायबिटीज को लागि राम्रो हुन्छ नहीं कोई छैन नि ये नर्मली खाते हैं सब के लिए अच्छा है साग मतलब बारिश को समय में ये बहुत पाउँछ नि साग और पहिला त अर्को ग्राममै सुखा वाला आलु लिएर नि पानी भिजाएर त्यो राख 20 मिनट त त्यसले त टाउको खान्छ आउलाको पानी लगाएपछि राम्रो हुन्छ अब जो भन्दै थियो उता मार्छ फेरि सुक्का आउला खानुपर्छ राम्रो हो शरीरको लागि कौन बोल रहा दिखाला पड़ेगा सबको लागि र आउलाले बहुत बाल सिल्की गर्छ साइनिंग पनि गर्छ एकदम पहिला कर्नु नि 5-10 मिनट खाली बस्दाखेरि के गर्छ खाली बस्दाखेरि त मोबाइल यहाँ त मलाई पनि छोडो न यार मलाई एकछिन 10 मिनट त पर्ने हो 5-10 मिनट यसमा बाल बहुत छिटो हुन्छ एउटाको बाल त्यही लागि लाइनिङको पुरा बाल आयो सो अभी मम्मी मछली की तैयारी मछली में यो छ नि ये तो व्हाइट कलर को चांदी माछा भन्छ नि मम्मी यसलाई इसको हाफ रख दिया है इसको ग्रेवी बनाएंगे और इसको फ्राई करके ये चाहिए टमाटर प्याज पिसा हुआ मसाला तोरी लहसुन प्याज खुर्सानी इसमें पोस्ता भी डाल सकते हैं मिर्चा मेरे तो हिंदी व्यूअर्स भी हो नेपाली नहीं हो दुईटा लैंग्वेज दोनों लैंग्वेज बोलूँगी देखिए हम लोग ऐसे आम का गुठली को रखते हैं और डालते हैं सब्जी वब्जी में झोल अब हमारी दीदी भी आ चुकी है दीदी क्या साग है खपड़ी साग है खपड़ी खपड़ी साग के कुछ खपड़ी साग
के देखना इधर देखिए बोलिए ना शर्म लग रहा है क्या मैं इंटरव्यू ले रही हूँ आपकी इंटरव्यू ले रही हूँ ना नहीं ऐसा तो यूट्यूब की चाड़ी दबाई करना तो चाड़ी देखो ना हाँ चलो मम्मी का भी पल हजुर मछली हालने समय आयो हाल दिन चलो मछली डाल देंगे ऊपर में पानी बॉइल हो गया थोड़ा हल्का इसको चला देंगे चलो अब मछली का सारा काम मम्मी बना रही है तो दिन भर का आज का खाना पीना सब बन चुका है इसके वीडियो को लाइक करना बोला ना इसको इसके वीडियो को लाइक करे और मैं बुरी मत सुन 60 बरस पार हो गया सो गाइस मेरा आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ आप सबको कैसा लगा मेरा ब्लॉग और प्लीज़ कमेंट पे बताइएगा आने वाले दिन में बहुत सारा वीडियोस बना के अपलोड करूँगी अपने चैनल पे सो सपोर्ट करिएगा जति पनि मेरो नेपाली व्यूअर्स सबैले जसले पनि मेरो ब्लग्सलाई हेर्नुहुन्छ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ यसरी नै मलाई सपोर्ट गर्नुहोस् जति पनि नेपाली व्यूअर्स छ किनभने म दुईवटा ल्याङ्ग्वेजमा भिडियो बनाउँदैछु त त्यो कन्फ्युजन हुँदैछ सो मेरो दादीको पनि कुछ बोल्ना है त बोल दिजिए बाई बोल दिजिए सबको बाई बेटा बाई 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 चलो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में थैंक यू गाइस